हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा आज के वीडियो में हम बात करेंगे लॉन टेनिस के बारे में जो कि आपके कोई भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है तो टेनिस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका टेनिस ग्रैंड स्लैम्स टेनिस ग्रैंड स्लैम द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑल्सो कॉल्ड मेजर्स ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को मेजर्स भी कहा जाता है आर द फोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल टेनिस इवेंट ग्रैंड स्लैम में चार टूर्नामेंट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दे ऑफर द मोस्ट रैंकिंग पॉइंट्स जिससे रैंक मिलता है प्लेयर्स को टेनिस के प्राइजेस मनी पब्लिक एंड मीडिया अटेंशन द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द फील्ड एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बेस्ट ऑफ सेट्स फॉर मैन विच इज़ फाइव तो फ्रेंड्स टेनिस ग्रैंड स्लैम में प्लेयर्स को उनकी रैंकिंग मिलती है ढेर सारा प्राइजेस मिलती है मनी पब्लिक एंड मीडिया अटेंसन चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम्स टेनिस ग्रैंड स्लैम आपका चार टाइप का होता है सबसे पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन सेकेंड पर आपका आता है फ्रेंच ओपन और थर्ड पर आता है आपका विमलिंडन ओपन और फोर्थ पे आता है आपका यूएस ओपन सबसे पहले हम है बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में आप देख सकते हैं राइट right साइड में ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ओपन का लोगो दिख रहा होगा आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन इट वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1905 हंड्रेड ये पहली बार 1905 में हुआ था द टूर्नामेंट इज क्रोनोजी क्रोनोलॉजिकली द फर्स्ट ऑफ द फोर ग्रैंड स्लैम्स हेल्ड एवरी ईयर मतलब आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है अगर चारों ग्रैंड स्लैम्स की टूर्नामेंट को देखें तो इट इज़ हेल्ड एनुअली ओवर द लास्ट फोर्ट नाइट ऑफ जनवरी एट मेलबर्न पार्क इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया ये आपका मेलबर्न में खेला आता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है ये आपका हार्ड कोर्ट पर खेलाता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसे हैप्पी स्लैम्स भी कहा जाता है और इसका प्राइस मनी होता है सेवन पॉइंट वन करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जो दो हजार बीस में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला गया वो इसका वन हंड्रेड वन हंड्रेड एंड एडिशन था एक सौ आठवा ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस्ट, मेंस मेंस सिंगल्स में मोस्ट सिंगल टाइटल्स जीते नोवाक जोकोविच ने आठ सिंगल टाइटल्स जीते नोवाक जोकोविच वहीं पे वुमेन्स की बात करें तो मार्गरेट कॉट जीती हैं 11 सिंगल टाइटल्स इन ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ओपन अब चैंपियंस की बात करें 2020 का तो मैन सिंगल्स में विनर रहे नोवाक जोकोविच और वहीं में बात करें तो सोफिया केनिन रही विनर। ये 2020 का है ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था अब हम बात करेंगे फ्रेंच ओपन के बारे में आप देख सकते हैं राइट साइड में उसका लोगो दिख रहा होगा आपको फ्रेंच ओपन फ्रेंच ओपन इज ऑल्सो नोन एज Roland गैरोस इट इज अ मेजर टूर्नामेंट हेल्ड एवरी टू वीक्स एट द स्टेडे रोनाल्ड गैरोस इन Paris, फ्रांस beginning इन लेट May each ईयर ये आपका फ्रेंच ओपन पेरिस फ्रांस में खेला जाता है इट इज प्लेड ऑन रेड क्ले कोर्ट मतलब लाल मिट्टी पर यह खेला जाता है इट इज द सेकेंड ऑफ द फोर ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स ये ऑर्डर में सेकेंड नंबर पर होता है आपका आप इसे अल्फाबेटिकल में याद कर सकते हैं पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है फिर फ्रेंच ओपन इट वॉज फाउंडेड ऑन एटीन हंड्रेड एंड नाइन्टी वन जो दो हजार बीस में इसका एडिशन खेले जाने वाला है फ्रेंच ओपन का वो आपको होगा वन ट्वेंटी फोर्थ एडिशन और जिसकी प्राइस बनी आप देख सकते हैं यूरोज में है वो इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फ्रेंच ओपन विल बी लास्ट विल बी द लास्ट ग्रैंड स्लैम विच विल बी हेल्ड फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर टू इलेवन अक्टूबर मतलब फ्रेंड्स आपका इस साल जो फ्रेंच ओपन होगा वो हर साल सेकेंड नंबर पर होता था ऑर्डर में पर इस साल फ्रेंच ओपन आपका लास्ट में होगा ड्यू टू कोविड नाइन्टीन के चलते इसमें चेंजेस आई हैं सीरियल वाइज में फ्रेंच ओपन में मोस्ट सिंगल टाइटल्स की बात करें तो मेंस में जीता है रफायल नडाल ने जिन्होंने ट्वेल्व टाइटल्स जीती हैं वहीं वुमेन्स की बात करें तो स्टेफी ग्राफ्ट ने जीती है सिक्स सिंगल टाइटल्स इन फ्रेंच ओपन करंट चैंपियंस ऑफ फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन अभी तक तो हुआ नहीं है ये हुआ था आपका लास्ट ईयर में जिसके विनर थे मेन्स में रफाइल नडाल और वहीं वुमन्स में थी एसले बाटी अब हम बात करेंगे विमलंडन ओपन के बारे में आप राइट साइड में लोगो देख सकते हैं विमलंडन ओपन का इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द चैंपियनशिप विमलंडन ओपन को द चैंपियनशिप भी कहा जाता है इट इज द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड एंड इज रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्रैंड स्लैम्स विमलंडन ओपन सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट और इसमें बहुत शान शोहरत मिला जाता है जो इसे जीतता है उसको अलग ही नजरिए से देखा जाता है इट वॉज फाउंडेड ऑन एटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन यही एक ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो घास पे खेला जाता है जो इसका दो हजार उन्नीस में एडिशन हुआ था वो था आपका वन थर्टी थर्ड एडिशन ये खेला जाता है आपका लंडन यूनाइटेड किंगडम में और इसका प्राइज मनी भी आप देख सकते हैं डॉलर फोर्टी नाइन पॉइंट फोर मिलियन विमलंडन द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैज बीन कैंसल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर टू मतलब फ्रेंड्स 2020 में विमलिंडन ओपन को कैंसिल कर दिया गया है ये ऐसी फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ये कैंसिल किया गया है वर्ल्ड वॉर टू के बाद से विमलिंडन ओपन को वरना यह हमेशा अब तक होते आया था 2020 में विमलिंडन ओपन नहीं होगा ड्यू टू कोविड नाइन्टीन अब करेंट चैम्पियंस की बात करें विमलिंडन ओपन की तो 2019 के मैन सिंगल टाइटल के विनर थे नोवाक जोकोविच वहीं वुमेन सिंगल्स की बात करें तो उसमें विनर थी सिमोना हेलेप मोस्ट सिंगल टाइटल्स विमलंडन ओपन में सबसे ज्यादा टाइटल्स हैं रॉजर फेडरर के बाद रॉजर फेडरर के पास जिनके पास आठ टाइटल है एट वहीं बात करें तो मार्टिना नवरोटिला नवरोटिलोवा के पास है टाइटल टोटल नाइन अब बात करते हैं यूएस ओपन के बारे में यूएस ओपन इट वाज़ फाउंडेड ऑन एटीन हंड्रेड एंड एट्टी वन आप इसकी प्राइज मनी भी देख सकते हैं ये आपका होता है न्यूयॉर्क में जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है और जो 2020 में इसका एडिशन होने वाला है वो आपका होगा वन फोर्टी एडिशन इट इज़ प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट मतलब आपका हार्ड कोर्ट पे दो ग्रैंड स्लैम खेला जाता है पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा यूएस ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन आप ऐसे याद कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है और यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है जो पहले होता है और लास्ट में होता है वो कौन से कोर्ट पर खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर द यूएस ओपन स्टार्ट ऑन द लास्ट मंडे ऑफ अगस्त हर साल यूएस ओपन कब स्टार्ट होता है ऑन द लास्ट मंडे ऑफ अगस्त मंथ दिस ईयर दैट इज 2020 यूएस ओपन आपका होगा 31 अगस्त से 13 सितंबर के बीच में मतलब थर्टी फर्स्ट ऑफ अगस्त से 13 सितंबर के बीच में आपका यूएस ओपन होगा दिस वुल बी द सेकेंड ग्रैंड स्लैम विच विल बी हेल्ड इन 2020 ये आपका इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होगा जो कि होने वाला है जिसकी करंट चैंपियंस की बात करें तो राफाइल नडाल ने 2019 के मेन सिंगल्स के विनर और वहीं पे वुमेन्स की बात करें तो बियंका एंड्रू हैं वुमेन सिंगल्स की विनर अब मोस्ट सिंगल टाइटल्स की बात करें तो यूएस ओपन में आपका जीता है रोजर फेडरर ने मेन सिंगल्स में फाइव टाइटल और वहीं वुमेन्स में बात करें तो सरेना विलियम्स ने जीता है वुमेन सिंगल्स में कितने टाइटल सिक्स टाइटल अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ ग्रैंड स्लैम विनर्स पहले हम बात कर लेते हैं मैन सिंगल्स के बारे में जिन्होंने ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है रॉजर फेडरर ने टॉप किया इसमें सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है रॉजर फेडरर ने जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं कितना ग्रैंड स्लैम जीता है रॉजर फेडरर ने इन्होंने जीता है ट्वेंटी ग्रैंड स्लैम वहीं तो सेकेंड पर आपके आते हैं रफाइल नडाल जो कि स्पेन के हैं इन्होंने नाइनटीन ग्रैंड स्लैम जीता है थर्ड पे आपका आता है नोवाक जोकोविच ये सर्बियन प्लेयर हैं और इन्होंने अभी तक सेवेंटीन ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं वहीं फोर्थ पे आते हैं आपका पीटे सैम्प्रास जो कि यू के हैं और इन्होंने अभी तक फोर्टीन ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं अब हम बात करते हैं वुमेंस की वुमेंस में कौन सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है सबसे पहले आपका आते हैं मैरग्रेड कोर्ट जो कि ऑस्ट्रेलियन है और इन्होंने अभी तक ट्वेंटी फोर ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं वहीं सेकेंड नंबर पर आपकी आती हैं सरेना विलियम्स जो कि यूएसए की, की हैं उन्होंने भी अभी तक ट्वेंटी थ्री ग्रैंड स्लैम जीते हैं वहीं थर्ड पे आपका आता है स्टेफी ग्राफ जो कि जर्मनी से बिलोंग करती हैं और इन्होंने अभी तक ट्वेंटी टू ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए टेनिस के बारे में द इंटरनेशनल टेबल टेनिस आईटीएफ टी इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड टेनिस इट वॉज फाउंडेड ऑन नाइन जिसका हेड क्वार्टर है आपका मुख्यालय है लंदन यूनाइटेड किंगडम है और जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और आई डेविड एफ नोवाक जोकोविच होल्ड्स द फर्स्ट रैंक इन मेन सिंगल एटीपी रैंकिंग्स एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन नोवाक जोकोविच फर्स्ट रैंक पे हैं एटीपी रैंकिंग में वहीं पे वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स ट्रेनिंग वुमेन्स टे, टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग जो कि वुमेन्स के लिए होती है उसमें फर्स्ट रैंक पे है एसले बाटी आप दोनों के इमेजेस देख सकते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड में आपके नवाक चोकवेज हैं और राइट साइड में एसले बाटी बोथ द प्लेयर्स हैव सेक्योर्ड द फर्स्ट रैंक ये आपका लेटेस्ट अपडेटेड है जो भी मैंने वीडियो में बताई है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिख रहा है टू का रैंकिंग है ये अब कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं आपका रॉजर फेडरर हैज वॉर्न ट्वेंटी मेजर सिंगल टाइटल्स द मोस्ट बाय एनी मैन इन हिस्ट्री इंक्लूडिंग ऑल टाइम एट ऑल टाइम रिकॉर्ड एट विमलिंडन टाइटल्स मतलब रॉजर फेडरर ने अभी तक बीस ग्रैंड स्लैम मेजर टूर्नामेंट जिसे मेजर भी कहा जाता है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीती हैं द मोस्ट बाई एनी मैन इन द हिस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विनर है रॉजर फेडर जिसमें रिकॉर्ड है जिसमें से एट टाइटल इनका विमलिंडन ओपन में ही है अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो आपका आता है रॉड लेवर इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री टू विन ऑल फोर मेजर्स इन द सेम कैलेंडर ईयर द ग्रैंड स्लैम रॉड लेवर ही एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने हिस्ट्री में एक ही साल में चारों ग्रैंड स्लैम जीता वो भी उन ऐसा उन्होंने दो बार किया पहला किया 1962 में और दूसरा किया 1969 में ये सब पॉइंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए थर्ड की बात करें तो आपका आता है डॉन बज इज़ द ओनली मैन मेल प्लेयर इन टेनिस सिक्सटी टू हैव वॉन सिक्स कंजीक्यूटिव ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स फ्रॉम विमलंडन नाइनटीन थर्टी सेवन टू यू एस चैम्पियनशिप नाइनटीन थर्टी एट डॉन बज एकमात्र ऐसे पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेनिस में लगातार छः ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स जीता कब से कब तक विमलंडन नाइनटीन थर्टी सेवन से यू एस चैम्पियनशिप नाइनटीन थर्टी एट तक अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आपका था रफाइल नडाल हैज़ वॉन नाइनटीन मेजर टाइटल्स इंक्लूडिंग ट्वेल्व फ्रेंच ओपन टाइटल्स एट रोनाल्ड गैरोस मेकिंग हिम द ओनली मेन प्लेयर विद डबल डिजिट टाइटल्स एट वन पर्टिकुलर ग्रैंड स्लैम इवेंट रफाइल नडाल ही एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने उन्नीस मेजर टाइटल जीता है जिसमें से बारह केवल और केवल फ्रेंच ओपन में हैं जिसे रोनाल्ड गैरोस भी कहा जाता है मेकिंग हिम द ओनली प्लेयर विद डबल डिजिट टाइटल्स एट वन पर्टिकुलर ग्रैंड स्लैम इवेंट यही एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो पट कोई भी पर्टिकुलर ग्रैंड स्लैम में डबल डिजिट चैंपियन रहे हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा और आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक और कमेंट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे